वी कैन टेल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, हम एक जगह की आबोहवा के बारे में बता सकते हैं बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर, रोजाना के दर्जा हरारत की पैमाइश करते, एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस इन द वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक लंबे अरसे के लिए मौसम की तब्दीली का रिकॉर्ड रखते हुए। वी कैन देन मेक अ मैप, फिर हम एक नक्शा बना सकते हैं इस तरह, टू शो द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इस तरह हम दुनिया में किसी भी जगह के मौसम और आबोहवा को जाहिर करने के लिए एक नक्शा बना सकते हैं। टेम्परेचर हीट इज मेजर्ड, दर्जा हरारत को नापा जाता है विद आ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के जरिए इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, रेनफॉल को मापा जाता है मिलीमीटर्स में विद अ रेन गेज, एक आला रेन गेज की मदद से। वी यूज अ वेदर वेन टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा का रुख बताने के लिए हम वेदर वेन का इस्तेमाल करते हैं। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन एनेमोमीटर, हवा की रफ्तार को एनेमोमीटर के जरिए से नापा जाता है। अ बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर, और हवा का दबाव मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर द विंड स्पीड, और भी बहुत से दूसरे आलात इस्तेमाल किए जाते हैं हवा की रफ्तार मालूम करने के लिए या हवा की रफ्तार की पैमाइश के लिए। द अमाउंट ऑफ सनशाइन, धूप की मिकदार, एंड वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, और फिजा में आबी बखरात को मेजर करने के लिए। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है वो दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है। डिग्री सेल्सियस क्या है? डिग्री सेल्सियस एक स्केल है जिसमें हम दर्जा हरारत की पैमाइश करते हैं। हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और किसी भी जगह का जो है वो दर्जा हरारत मालूम करने के लिए भी हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों थर्मामीटर्स में डिफरेंस ये है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ होता है, वो हमें सिर्फ हमारा मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर बता रहा होता है, जबकि ये थर्मामीटर जो कि हमें किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर या फिर किसी भी जगह के टेम्परेचर के बारे में बताता है, ये हमें मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रेन गेज, रेन गेज जो है वो ऐसा आला है जिसके ज़रिए से हम बारिश को मापते हैं या फिर हम बारिश को मेजर करते हैं, और बारिश को हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वेदर वेन, वेदर वेन को हम विंड वेन भी बोलते हैं। वेदर वेन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें हवा के रुख के बारे में बताता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हेयर आर द पिक्चर ऑफ वेदर वेन, यहाँ पे ये एन जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वेदर वेन है ये बिल्डिंग्स के टॉप पे लगाया जाता है जहाँ पे बगैर किसी रुकावट के हवा जो है वो आती है, और जिस साइड पे ये एरो मूव करता है वो साइड हमें बताती है कि आज डायरेक्शन ऑफ विंड क्या थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एनेमोमीटर, एनेमोमीटर जो होता है वो यूज होता है हवा की रफ्तार को बताने के लिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें हवा की रफ्तार को मेजर करने में मदद देता है, या इसकी मदद से हम हवा की रफ्तार को मेजर करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैरोमीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम हवा के दबाव को मेजर करते हैं। People who study the weather and climate and keep records are called meteorologists. वो लोग जो मौसम और आबोहवा का मुतालिया करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, meteorologists यानी कि माहिर मौसमियात कहलाते हैं। As I told you about the meteorologists, so people who study weather and climate and keep records are called meteorologists. यानी कि वो लोग जो कि मौसम और आबोहवा की स्टडी करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, माहिर मौसमियात कहलाते हैं। अब ये लोग कहाँ पर काम करते हैं? दे वर्क इन अ प्लेस कॉल्ड द मेट ऑफिस, ये लोग जिस जगह पर काम करते हैं उसको मेट ऑफिस कहा जाता है। ये लोग किसी भी जगह के वेदर का रिकॉर्ड रखते हैं, और ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के रिकॉर्ड की स्टडी के बाद वो लोग हमें ये बताते हैं कि इस जगह क्लाइमेट कोल्ड है या हॉट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो इन पाकिस्तान जनरली वी हैव अ वार्म क्लाइमेट, बट इट इज वेरी कोल्ड इन माउंटेनियस नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न एंड रिवाइज योर लेसन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।